हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल चाल है जी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल लोपी जट पे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि पबजी फाइनली बैन हो चुका है इंडिया में। तो अगर आपको नहीं पता कि पबजी ऑफिशियली बैन हो चुका है इंडिया में, और गाइस ये न्यूज में भी आ चुका है, तो अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके सीधा उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। उसमें मैंने बता रखा है पबजी की पूरी डिटेल, जो बैन हुआ, जो न्यूज आई थी, कल आई थी गाइस, तो आप वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो गाइस, पबजी के बैन होने के बाद कुछ लोगों का हाल कुछ ऐसा है। और गाइस, जिन लोगों ने रॉयल पास खरीद रखे थे, तो गाइस उनका तो हाल आप खुद ही समझ सकते हो कि कैसा हाल होगा, जिन्होंने इतने इतने पैसे लगा रखे थे रॉयल पास खरीदने में। तो गाइस आपको पता ही होगा कि क्रेट ओपनिंग में कितने रुपए लग जाते हैं, कितने खर्च हो जाते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं क्रेट ओपनिंग करने में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो जिन्होंने क्रेट ओपन किए हुए थे, स्किन्स ली हुई थी, तो उनके कितने पैसे खर्च हुए होंगे, उनको कितना दुख होगा पबजी के बैन होने का। लेकिन गाइस, पबजी के बैन होने के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसकी बात आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और वो क्या है बड़ी खबर, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो यार, जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो, क्योंकि वो दबाने के लिए बना है, तो दबाओ यार, दबा दिया। तो चलो यार, जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू एक छोटी सी के बाद। गाइस, इंडिया में पबजी के साथ साथ 118 और ऐसी ऐप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं, जो कि आपको उसकी लिस्ट आपको पीछे देखने को मिल जाएगी, जो एप्लीकेशंस बैन हुए हैं अभी अभी रिसेंटली। तो गाइस, आपको पीछे वो जो चार्ट है वो सारी एप्लीकेशन का वो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इससे पहले भी जो इंडियन गवर्नमेंट ने कई ऐप्स को बैन किया था, जैसे कि टिकटॉक और भी कई एप्लीकेशन जो चाइना की थी, उन एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, जिससे गाइस चाइना का काफ़ी नुकसान हुआ था। आप खुद ही सोच सकते हो कि यार पबजी से ही चाइना इतने पैसे कमा रही है, तो बाकी सारी एप्लीकेशन को मिला के कितना कमाती होगी। आप खुद सोचो, एक बंदे से कितना रुपए कमाती है, जब कोई बंदा क्रेट ओपनिंग करता है या फिर जो बंदा रॉयल पास खरीदता है, तो वो सारे पैसे चाइना के जाते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, गेम के माध्यम से, है ना। तो कितना पैसा वो कमा रही होगी और कितना अभी नुकसान हुआ होगा इंडिया से। तो गाइस, आपको अगर नहीं पता तो सबसे ज़्यादा पैसा पबजी इंडिया से ही कमा रही थी, तो अभी उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो यार, जो तो पबजी के नशे में बहुत ज़्यादा धुत थे, यानी कि पबजी से दिन रात पबजी खेलते थे, तो उनको तो ये खबर बहुत ही बुरी लगी, बिल्कुल उनको ये खबर मिर्ची की तरह लड़ी है। तो गाइस, ऐसे लोग तो इंडियन गवर्नमेंट को गालियाँ निकाल रहे थे, बहुत बड़ा बुरा बोल रहे थे, लेकिन यार जो उनके पेरेंट्स हैं उनको तो बहुत खुशी होगी हुई होगी ये खबर सुन के। और बहुत से लोग हैं जिनको ये खबर बहुत अच्छी लगी होगी कि यार फाइनली पबजी बैन हो चुका है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, वाकई में यार बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया था। और पीछे एक खबर भी आई थी कि 14 लाख रुपए एक बंदे ने पबजी में उड़ा दिए, तो शायद आपको पता ही होगा। तो यार, तो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लग गए थे इस गेम को। एक बात तो यार अच्छी है कि पबजी बैन हो गया, एक बात ये बहुत अच्छी है। लेकिन यार अभी भी कई लोगों के फ़ोन के अंदर ये पबजी एप्लीकेशन होगी, और यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, रिसेंटली अपलोड हो ही चुकी होगी, अब तो मैंने तो देखा नहीं, कि पबजी को कैसे चलाएं फ़ोन के अंदर, VPN लगा के कई लोग चला रहे होंगे, कई कोई और वर्जन डाउनलोड कर रहे होंगे, है ना। तो वैसे चल तो जाती है यार, पर क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा नहीं उसको चलाने का। तो ये वीडियो सिर्फ आज स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने फ़ोन से पबजी को डिलीट नहीं किया, या फिर वो तरीके सोच रहे हैं कि कैसे पबजी को दोबारा से चलाया जाए, है ना। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो गाइज, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि हमको पबजी चलानी है, आप वीडियोस को देख लोगे यूट्यूब पर, हाँ गाइज चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पबजी चल जाएगी आपके फ़ोन में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें आपका लॉस है गाइज, क्योंकि जैसे ही चाइना को पता चला कि पबजी बैन हो चुकी है, है ना, तो उनको पता चल गया कि अभी इंडिया में हमारा कोई भी सर्वर काम नहीं करने वाला पबजी का, तो गाइज वो आपका डाटा एक्सेस करने लगे। तो गाइज अभी जो आप पबजी चलाओगे, तो गाइज वो कुछ परमिशंस मांगेंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी आप जो परमिशन है उसको अलाउ मत करना, क्योंकि गाइस जैसे ही आप अलाउ करोगे ना उसको, तो आपका जो सारा डाटा है वो सारा चोरी हो जाएगा, मतलब कि वो सारा एक्सेस कर लेंगे आपका डाटा चाइना वाले, और आपका सारा फ़ोन का डाटा चाइना वालों के पास पहुंच जाएगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, या तो आप पबजी को अपने फ़ोन से डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो पूरी तरह से, या फिर यार आप पबजी में कोई भी परमिशन को अलाउ मत करना।
तो बेहतर तो यही होगा कि यार आप डिलीट ही कर दो पबजी को। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि आप भी अपने फ़ोन में किसी ट्रिक को यूज करके पबजी को चला लोगे, तो यार उसमें पबजी तो चल जाएगी लेकिन आपका ही लॉस है उस चीज़ में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी ऐसी चीज़ को मत ध्यान दें और ना ही ऐसी चीज़ को चलाएँ। तो अभी आप अपने फ़ोन से जो पबजी है उसको भी डिलीट कर दें, क्योंकि यार चाइना भी एक ऐसे मतलब की परमिशन देने वाला है, मतलब आप उसके सामने अगर जब आप पबजी खोलते हो तो आपसे कुछ परमिशन मांगता है जिनको आपको अलाउ करना होता है ना। तो यार वो आपका जब आप अलाउ करते हैं ना तो आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं आपके डाटे के साथ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिलीट ही कर दें। तो अगर आपको गेम्स खेलनी है तो यार और बहुत सारी गेम है पबजी की जैसे गेम्स है, आपको ज़रूरी है कोई भी पबजी खेलना है कोई है ना, तो आप कोई भी गेम्स खेल सकते हो। तो अगर आप भी पबजी की जैसे गेम्स को खेलना चाहते हो है ना, तो अब मैंने इस चीज पे वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर आई कार्ड में लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करके सीधा उस वीडियो पे पहुंच जाओगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो बस गाइस यार आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको आप भी चाहते थे कि पबजी बैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्या रिएक्शन है पबजी के बैन होने के बाद। एंड हम मिलेंगे किसी और बढ़िया सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।